हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है युवराज सिंह ठाकुर और मैं आपको वेलकम कर रहा हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल युवराज सिंह ठाकुर में। फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोगों का कंसल्ट चल रहा था, हम लोग बेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात कर रहे हैं और केमिस्ट्री के इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में मैं आप लोगों के साथ लेकर आया हूँ सॉल्यूशन का चैप्टर नंबर सेकेंड। आज थोड़ा सा जो है वो होने वाला है आप लोगों को साउंड का इशू, आई एम सॉरी, कैमरा का जो है वो आज थोड़ा सा इशू होने वाला है। हाँ, मेरे कैमरे में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है, इस वजह से आज मैं आप लोगों को प्रॉपरली दिख नहीं पाऊंगा। बट नो इशू विद दैट, मेरा दिखना इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है कि हम लोगों की क्लासेज जो है कंटिन्यू रहनी चाहिए। हम लोगों ने 2 मार्क्स के क्वेश्चन के बारे में बात कर ली थी, 3 मार्क्स के क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात कर रहे थे और आज जो टॉपिक या जो क्वेश्चन हम लोगों को डिस्कस करना है वो है डिफाइन एजियोट्रॉप्स एंड एक्सट्राइप्स। एजियोट्रॉप्स क्या होते हैं और एजियोट्रॉप्स कितने तरह के होते हैं, यहाँ से जो है आज वो हमें बात करनी है। तो चलिए अपने टॉपिक के ऊपर चलते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। और आप सभी लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स तक शेयर कर दीजिए जो लोग प्रिपरेशन करना चाहते हैं विद द बेस्ट एक्सट्रैक्ट। तो क्वेश्चन है आपका डिफाइन एजियोट्रॉप्स एंड इट्स टाइप्स। एजियोट्रॉप्स क्या होते हैं और एजियोट्रॉप्स कितने तरह के होते हैं। तो आंसर टू द क्वेश्चन इज दैट द मिक्सचर ऑफ लिक्विड्स व्हिच बॉइल्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर लाइक अ प्योर लिक्विड एंड पजेसेस सम कंपोजिशन ऑफ कंपोनेंट्स इन लिक्विड एज वेल एज इन वेपर फेज। दे आर ऑल्सो कॉल्ड कॉन्स्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर्स। देखिए, ऐसा एक लिक्विड का मिक्सचर जो कि कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे बॉइल हो जाता है, जैसे कि प्योर लिक्विड। जैसे प्योर लिक्विड की बात करें तो वाटर जो है आपका प्योर लिक्विड है, 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर क्या हो जाता है आपका प्योर लिक्विड वाटर जो है वो बॉइल हो जाता है। तो एजियोट्रॉप्स ऐसे मिक्सचर होते हैं जो क्या होते हैं, होते तो मिक्सचर है, प्योर लिक्विड तो नहीं है। मिक्सचर हमने पहले ही बोल दिया कि ऑफ लिक्विड, द मिक्सचर ऑफ लिक्विड, पर उनका जो बॉइलिंग पॉइंट का टेम्परेचर होगा वो क्या होगा, बिल्कुल कॉन्स्टेंट होगा। तो उस तरह के जो आपके सॉल्यूशन, माफ कीजिएगा, जो मिक्सचर होते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं, एजियोट्रॉप्स कहलाते हैं। और जिस पॉइंट के ऊपर एजियोट्रॉप बॉइल करना स्टार्ट कर देते हैं उसे क्या कहा जाता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एजियोट्रॉप कहा जाता है। टाइप्स ऑफ एजियोट्रॉप्स के बारे में बात करें तो 2 तरह के एजियोट्रॉप्स होते हैं। पहले तरह के जो एजियोट्रॉप्स होते हैं वो होते हैं आपके मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स और जो दूसरे होते हैं वो होते हैं आपके मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स क्या होते हैं, तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन व्हिच शोज द पॉजिटिव डेविएशन टुवर्ड्स राउल्ट्स लॉ हैव हाई वेपर प्रेशर। ऐसा नॉन आइडियल सॉल्यूशन, मैंने डिफरेंस में आप लोगों को आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन और राउल्ट्स लॉ के बारे में बताया। राउल्ट्स लॉ हमारा पिछला ही क्वेश्चन था जिसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो ऐसे नॉन आइडियल सॉल्यूशंस जो कि क्या करते हैं, पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं राउल्ट्स लॉ की तरफ, उनका जो वेपर प्रेशर होता है वो कॉन्स्टेंट वेपर प्रेशर से ज़्यादा होता है। ठीक है, तो एक डेफिनेट कंपोजिशन के ऊपर आपका वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है और उसका जो टेम्परेचर हो जाता है वो क्या हो जाता है, मिनिमम हो जाता है। और इसी तरह के जो फिनोमेना होता है वो क्या कहलाता है, आपका मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स कहलाता है। अगला जो टॉपिक आप लोगों के सामने निकल करके आता है वो आता है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। सर, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, देखिए 2 तरह की बात है। नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो क्या कर रहे हैं, राउल्ट्स लॉ के सामने पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहे हैं, उनमें क्या बनते हैं, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। मतलब यहाँ पर जो पिक्चर आप लोगों की हो रही है वो क्या हो रही है कि कोई भी एक नॉन आइडियल सॉल्यूशन है जिसमें क्या हो रहा है, पॉजिटिव डेविएशन राउल्ट्स लॉ की तरफ शो कर रहा है, मतलब राउल्ट्स लॉ की तरफ उसका जो आंसर है वो थोड़ा सा झुका हुआ है। आप इस तरह से इस चीज़ को मान सकते हैं। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो कि क्या कर रहे हैं, राउल्ट्स लॉ के साथ में पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहे हैं, उनका जो वेपर प्रेशर होता है वो क्या हो जाता है, थोड़ा सा हाई हो जाता है। उनका जो वेपर प्रेशर होता है वो क्या होता है, थोड़ा सा हाई होता है। ठीक है, तो वो जो हो जाता है आपका क्या हो जाता है, थोड़ा सा हाई हो जाता है वेपर प्रेशर यहाँ पर। और इस समय जो वेपर प्रेशर होता है सॉल्यूशन का वो हो जाता है आपका मैक्सिमम। मैक्सिमम होने से मतलब क्या होता है कि जो पॉइंट आपका जो है वो, मान लीजिए कि आपका कोई भी कंपोनेंट है, लिक्विड है, और लिक्विड के अंदर आपने कोको कोला मिक्स किया, तो दोनों के जो बॉइलिंग पॉइंट होंगे उससे कम पॉइंट के ऊपर जो है वो बॉइल होना स्टार्ट हो जाएगा सॉल्यूशन, इसीलिए उसे कहते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। और अगर वो आपके दोनों ही सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर जो है बॉइल होता है तो उसे क्या कहेंगे, हम मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स कहेंगे। प्रोबेबली क्वेश्चन जो है वो आप सभी लोगों को क्लियर होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में है क्वेश्चन भी, डिफरेंस बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैलिटी, की मोलैरिटी और मोलैलिटी के बीच में आखिर क्या डिफरेंस है ये बता दीजिए। क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेटिव क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा बार इस क्वेश्चन को जो है एग्जाम्स में पूछा गया है। भैया, ग्राम मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलैरिटी।
एक लीटर सॉल्यूशन में कितने ग्राम मोल्स आपने जो है वो सॉल्यूट के डिसॉल्व किए, वो आपका क्या कहलाता है, मोलारिटी कहलाता है। मतलब मोलारिटी किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, अल्टीमेटली मोलारिटी में जो आपका सॉल्वेंट होगा वो कैसा होगा, तो वो लिक्विड फॉर्म में होगा। और मोलारिटी के बारे में बात करें तो ग्राम मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, कि भैया 1 kg सॉल्वेंट के अंदर कितने ग्राम मोल्स सॉल्यूट के हमने आपने मिलाए हैं, वो क्या कहलाती है, मोलारिटी कहलाती है। यहाँ देखें तो होल वॉल्यूम इज टेकन अंडर कंसिडरेशन, की मोलारिटी जब भी नापते हैं तो पूरे वॉल्यूम को क्या किया जाता है, कंसिडर किया जाता है। वहीं अगर आपको मोलारिटी नापनी हो तो हम क्या करते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट इज टेकन अंडर कंसिडरेशन, क्योंकि यहाँ देखिए 1 kg सॉल्वेंट की बात हो रही है और यहाँ 1 लीटर सॉल्यूशन की बात हो रही है, इसी वजह से यहाँ पर क्या करेंगे आप, पूरा का पूरा जो वॉल्यूम है उसको कंसिडरेशन में लेंगे और यहाँ पर सिर्फ क्या है, मास जो है सॉल्यूट का उसको कंसिडर किया जाएगा फॉर द कैलकुलेशन ऑफ मोलारिटी। नेक्स्ट बात करें तो मोलारिटी को कैपिटल एम से डिनोट किया जाता है, वहीं मोलारिटी को कैपिटल स्मॉल एम से डिनोट किया जाता है। मोलारिटी लिक्विड फॉर्म में है इस वजह से इसके वॉल्यूम को टेम्परेचर से फर्क पड़ता है, पर मोलारिटी जो है वो सॉलिड फॉर्म में, इस वजह से इसको टेम्परेचर से किसी भी तरह का कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। द लास्ट पॉइंट अप टू दैट इज कि एसआई यूनिट क्या होगी मोलारिटी की, तो ग्राम मोल पर लीटर जो है वो एसआई यूनिट होगी मोलारिटी की, और ग्राम मोल पर केजी एसआई यूनिट होगी मोलारिटी की। इज इट क्लियर टू एवरीवन? गुड। इफ यू टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो अ डिफरेंस, दिस टाइम दिस इज द डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अगेन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप 10th 12th बोर्ड के लिए पढ़ रहे हो, आप नीट JEE के लिए पढ़ रहा हूँ, किसी भी चीज़ के लिए पढ़ रहा हूँ, एक चीज़ आप लोगों को हमेशा ध्यान में रखनी है कि अगर आप लोगों ने डिफरेंस को स्किप कर दिया है तो फिर आप लोगों के जो परसेंटेज या जो मार्क्स आने के जो चांसेस हैं वो क्या हो जाएंगे, बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएंगे। इसीलिए फटाफट फटाफट हम लोग जो है वो आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के डिफरेंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो भैया आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, तो द इंटरैक्शन बिटवीन द कंपोनेंट्स आर सिमिलर टू दोज इन द प्योर कंपोनेंट्स, की दो जो जब भी आप सॉल्यूशन कब बनेगा, दो कंपाउंड्स को मिक्स करोगे तो उनके दोनों के बीच का जो इंटरैक्शन है वो कैसा होना चाहिए, प्योर कंपोनेंट के जैसा होना चाहिए, मतलब अलग नहीं, प्योर कंपोनेंट का ही नेचर उसको क्या करना चाहिए, शो करना चाहिए। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, तो द इंटरैक्शन बिटवीन कंपोनेंट्स आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ द प्योर कंपोनेंट्स, की आपने दो कंपोनेंट्स को आपस में मिलाया है तो वो प्योर कंपोनेंट्स के रिस्पेक्ट में क्या होंगे, थोड़े थोड़े अलग होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, देर इज नो वॉल्यूम चेंज इन, देर इज नो वॉल्यूम एंथैल्पी चेंज इन मिक्सिंग द कंपोनेंट, कि आइडियल सॉल्यूशन में आपका क्या होगा कि वॉल्यूम और एंथैल्पी चेंज जो है वो नहीं होगा जब आप क्या करेंगे, सॉल्यूशन कंपोनेंट में मिक्स करेंगे। प्लस नॉन आइडियल सॉल्यूशन में क्या होगा कि वॉल्यूम कभी भी जीरो नहीं हो सकता, एंथैल्पी कभी भी जीरो नहीं हो सकती। और आइडियल सॉल्यूशन क्या करेगा, राउल्ट्स लॉ ऑब्वे करेगा टेम्परेचर की कंडीशन के ऊपर, लेकिन ये जो है ये नहीं करेगा, ये क्या करेगा, पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन शो करेगा आपके राउल्ट्स लॉ की तरफ। और मैक्सिमम सॉल्यूशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन होता है, क्योंकि आइडियल सॉल्यूशन तो एक आइडियल कंडीशन है जो हम लोगों ने कंसिडर कर करके रखी है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, तो 3 मार्क्स क्वेश्चन यहाँ पर आपके कंप्लीट होते हैं। मैंने टोटल आप लोगों को 4 3 मार्क्स क्वेश्चन प्रोवाइड किए हैं और एक ही 5 मार्क्स का क्वेश्चन है सर। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है लेकिन क्वेश्चन जो है वो बहुत ही ज़्यादा ईजी है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज से रिलेटेड क्वेश्चन है और ये मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन है। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है इसलिए फटाफट हम लोग इस क्वेश्चन के बारे में जो है यहाँ पर के बात कर लेते हैं। सो लॉन्ग आंसर का जो आपका 5 मार्क्स का जो पहला क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन क्या है, तो डिफाइन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज एंड हाउ मैनी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर देयर, की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को डिफाइन कीजिए और इस चीज़ को एक्सप्लेन कीजिए कि कितने तरह की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो है वो होती हैं। तो भैया सबसे पहले एक बात करें तो प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन विच डिपेंड्स ओनली ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स बट नॉट ऑन द नेचर ऑफ सॉल्यूट आर कॉल्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो पूरी तरह से किसके ऊपर डिपेंड करती है, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे, कि किसी भी सॉल्यूशन में, मतलब कोई भी अगर आप एक सॉल्यूशन बना रहे हैं, मान लीजिए आप वाटर और शुगर का एक सॉल्यूशन बना रहे हैं, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगी कि आपने कितने किलो शक्कर उसमें मिलाई है, उसको इसी चीज़ के ऊपर वो क्या करेगी, डिपेंड करेगी। अब शक्कर आपने बारीक वाली मिलाई है, बड़ी वाली मिलाई है, चूड़े वाली मिलाई है, उससे किसी भी तरह का इसको फर्क
नहीं पड़ेगा। फर्क किस चीज से पड़ेगा कि आपने जो शक्कर मिलाई है वो किस क्वांटिटी में जो है वो मिक्स की है, बस इसी चीज से इसको क्या होगा, फर्क पड़ेगा। तो इस तरह की प्रॉपर्टीज को क्या कहा जाता है, तो इस तरह की प्रॉपर्टीज को कहा जाता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। आगे बढ़ते हैं, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कितने तरह की होती है, तो देयर आर फोर टाइप्स ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, दूसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट, तीसरी होती है डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट, एंड द लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये वैसे तो बहुत ही बड़े बड़े हैं, मैंने पूरा तरह से इसको डिटेल में मैथमेटिकली भी आप लोगों को लिख के रखा है, मैथमेटिकली आप लोगों को समझने में इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। मैं थोड़ा सा शॉर्ट में आप लोगों को कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बता देता हूँ कि अल्टीमेटली जो होती है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। देखिए, पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं, तो रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो है वो आपकी पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है। लोवरिंग जो वर्ड होता है, उस वर्ड का अपना एक सिग्निफिकेंस है। लोवरिंग का मतलब होता है किसी भी चीज़ का कम होना। तो यहाँ पर वेपर प्रेशर भी है, लोवरिंग भी है, सिर्फ रिलेटिव का क्या काम है। तो अगर आप लोगों को लोवरिंग और वेपर प्रेशर समझना आ जाता है तो रिलेटिव लोवरिंग समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। हम लोग सबसे पहले बात करें तो लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में, तो ऑन एडिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट टू सॉल्यूशन इट्स वेपर प्रेशर डिक्रीजेस, इट इज नोन एज लोवरिंग। कर दे जस्ट गिव मी अ मिनट। सो वी आर सिंपली डिस्कसिंग अबाउट द रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। की भैया रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है, फर्स्ट क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी इज दैट व्हाट इज रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो ऑन एडिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट टू सॉल्यूशन इट्स वेपर प्रेशर डिक्रीजेस, इट इज नोन एज रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। कि तब हम क्या करते हैं, किसी भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को सॉल्यूशन के अंदर मिक्स कर देते हैं, तो उसका जो वेपर प्रेशर होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। उसका इस वेपर प्रेशर को कम होना ही क्या कहलाता है, रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कहलाता है। इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, आप एक बार इसको देख लीजिएगा, आप लोगों को ये बहुत ही आसानी से क्लियर हो जाएगा। अगर इसमें किसी भी तरह का कोई भी डाउट रहता तो आई क्लियर इट, डोंट वरी अबाउट दैट। सेकेंड हम लोग बात करते हैं डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में। तो फ्रीजिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जब सॉलिड और लिक्विड का वेपर प्रेशर क्या हो, पूरी तरह से सेम हो। जब सॉलिड और लिक्विड का वेपर प्रेशर पूरी तरह से सेम हो जाता है तो आपका क्या बनता है, फ्रीजिंग पॉइंट, उस पॉइंट को हम कहते हैं। नॉर्मल भाषा में देखा जाए तो जब आपका वाटर क्या हो जाता है, जम जाता है, तो वो क्या कहलाता है, आपका फ्रीजिंग पॉइंट कहलाता है। तो जब भी कोई भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हम किसी भी प्योर लिक्विड में डिजोल्व करते हैं सॉल्यूशन बनाने के लिए, तो उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। और इसी डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट को क्या कहा जाता है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कहा जाता है। उसे रिप्रेजेंट किया जाता है डेल टी एफ से। ठीक है भैया, इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। अच्छा, मैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बिल्कुल भी छोड़कर नहीं जा रहा हूँ। अभी मैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आप लोगों को शॉर्ट में इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वाला जो टॉपिक है वो मैं आप लोगों को बहुत ही अच्छे से डिटेल में बहुत जल्द एक्सप्लेन करूंगा। उस वीडियो में मैं आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ाऊंगा। तो प्रोबेबली परसों तो संडे है, हम हर संडे को क्या करेंगे, एक स्पेशल मैराथन क्लास की तरह लेंगे जिसमें मैं आप लोगों को किसी एक पर्टिकुलर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को बहुत ही अच्छे से पढ़ाऊंगा। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी जो है मैं आपका सबसे पहला टॉपिक रहेगा, प्रोबेबली ऑन दिस मंडे, ऑन दिस संडे, और प्रोबेबली ऑन मंडे मैं आप लोगों को जो है ये प्रोवाइड करूंगा। इसी वजह से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज मैं आप लोगों को अभी बिल्कुल ही शॉर्ट में बता रहा हूँ। एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात करें तो वो द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। कि ऐसा टेम्परेचर जिस पर क्या हो, आपके सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो किसके बराबर हो जाए, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए, तो इसे क्या कहा जाता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कहा जाता है। द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज ऑलवेज लेस देन दैट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, देयरफॉर द सॉल्यूशन। सीधी सी बात यह है कि जब आप क्या करेंगे, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिक्स करेंगे तो जो वेपर प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बढ़ जाएगा, वही क्या कहलाता है, एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो आपका उस प्रेशर के बराबर होता है जो कि ऑस्मोसिस की प्रोसेस को रोक देता है थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ऑस्मोटिक प्रेशर को मेजर कैसे किया जाता है, बर्कले एंड हार्टले मेथड से। हम बर्कले एंड हार्टले मेथड से हम क्या करते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर मेजरमेंट का काम करते हैं। इसी के साथ आप लोगों का सॉल्यूशन चैप्टर जो है वो पूरी तरह से कंप्लीट होता है। अगर आपको सॉल्यूशन चैप्टर में किसी भी तरह का कोई भी डाउट है तो यू कैन कमेंट मी डाउन।
और क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज का बिल्कुल भी लोड मत लीजिए। देखिए मैंने पूरा चैप्टर आप लोगों को बिल्कुल डिटेल में पढ़ाया है, सिर्फ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज मैंने थोड़ी सी शॉर्ट में बताई है। तो उसका जो मेन रीजन है वो रीजन सिर्फ इतना ही है कि क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज जो है वो आप लोगों को मैं संडे की क्लास में या फिर प्रोबेबली ऑन मंडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज इन अ वेरी प्रॉपर मैनर। ठीक है, तब तक के लिए अगर आपको किसी भी चीज़ में किसी भी तरह का कोई भी डाउट आता है तो प्लीज़ कमेंट मी डाउन, आई डेफिनेटली गोइंग टू क्वेश्चन ऑल टाइप ऑफ क्वेरीज ऑफ योर्स। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए और बने रहिए आपके अपने चैनल युवराज सिंह ठाकुर के साथ में। आप सभी लोगों के लिए फिजिक्स से रिलेटेड मैं कुछ अनाउंसमेंट करने वाला हूँ, तो वो वीडियो जो है मैं आप लोगों को कल तक प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आपको सॉल्यूशन चैप्टर में किसी भी तरह का कोई भी डाउट है तो यू कैन कमेंट मी डाउन, आई विल पंच योर क्वेरीज। एंड द सेकेंड थिंग इज दैट इसका जो PDF है वो मैं टेलीग्राम चैनल के ऊपर अपलोड कर चुका हूँ। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टिल देन एवरीवन, टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय, जय हिंद।